और वैसे भी हर फील्ड जो है उसमें आदमी थोड़ा बहुत कोशिश करता है, तो क्योंकि हजरत अली करमल्ला वजह का यही कॉल है कि जो डिफिकल्ट चीज हो उसको आप करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो बस यही है कि थोड़ी बहुत कोशिश वो भी अगर अल्लाह करवा दे, मगर मैंने तो अभी इस फील्ड में कुछ भी नहीं किया, अगर वो करवा देगा तो बहुत बड़ी बात है, मगर मैं उसकी ज़ात के आगे मैं हूँ ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। और फिर यह है कि इस आर्ट में तो वैसे भी, क्योंकि ये जो भी आर्ट्स हैं, पेंटिंग है, संग तराशी है, जो भी आर्ट्स हैं वो मौसीकी से निकले, तो मौसीकी इतनी बारीक जबान है एहसासात की, फीलिंग्स की, निगाहों की, कि ये आवाज के जरिए दिखाता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है, वो आवाज के जरिए से सब कहना चाहता है। तो यही मौसीकी की एक मीनिंग है कि जानी तब न जान, जे भाई भलो पहंजो। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक बैत है कि अगर तुम जानते हो तो भी मत जानो कि मैं जानता हूं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें कुछ भी नहीं आता, अगर खुदा कुछ कर दे अपनी तरफ से वही है सब। ये मस्तों की रिंदों की धमाल है जो अल्लाह के तौहीद के रंग में जब मस्त हो जाते हैं, तो ये उस घड़ी को फुकराह ने ट्रिब्यूट दिया है हजरत लाल शहबाज कलंदर को, और ये रिंदों की महफिल के मस्त हैं जिनका इसमें ग्रामी है लाल कलंदर शहबाज। तो पेश करती हूँ, सुनने वाला भी उसी धमाल में उसी रंग में, कलाम की कैफियत भी एक ही होती है और सुनने वाले और सुनाने वाले की कैफियत भी एक ही हो जाती है। तो पेश करती हूँ।
जनन तेरी नौबत बारे, हो जनन जनन तेरी, जनन जनन तेरी, हो जनन जनन तेरी नौबत बारे, बाजे नाल बाजे घड़ियाल वाला।